कोरोना के कारण हुई मौतों पर मुआवजा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह कोरोना के कारण मरने वालों के परिजनों को अनुग्रह राशि या मुआवजा देने के लिए दिशा निर्देश तैयार करें। हालांकि मुआवजा कितना होना चाहिए ये सरकार को खुद तय करना होगा। दरअसल कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को ऐसा कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि इससे आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। तो अब थोड़ी बहुत जान पहचान के लिए, मेरा नाम आदित्य पांडे है और आप यूपी फर्स्ट देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएमए यानी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत दिशा निर्देशों में मुआवजा न देकर अपना कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार का प्रबंध कई परिस्थितियों, तथ्यों और कानूनों पर आधारित है। हमें नहीं लगता कि किसी विशेष राशि का भुगतान करने के लिए सरकार को दिशा निर्देशित करना उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार की तरफ से तय किया जाना है कि वह कितना राशि दे सकता है। सरकार को प्राथमिकताओं को तय करना होगा। कोर्ट ने कहा कि एनडीएमए को कोविड पीड़ितों को मुआवजा समेत राहत के न्यूनतम मानक प्रदान करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम मुआवजा तय नहीं कर रहे हैं, लेकिन एनडीएमए 6 हफ्ते के भीतर प्रत्येक कोविड पीड़ित को भुगतान की जाने वाली राशि निर्धारित करने का दिशा निर्देश जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में कोविड महामारी के कारण लगभग 3,90,000 मौतें हुई हैं जिसे आपदा प्रबंध अधिनियम के तहत आपदा घोषित किया गया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि डेथ सर्टिफिकेट पर मौत की वजह कोरोना से मौत का दिन लिखा होना अनिवार्य होगा। सरकार 6 महीने में इस पर गाइडलाइंस बनाएगी। वहीं जिन लोगों का डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका है और उन्हें इस पर आपत्ति है तो सरकार उस पर दोबारा विचार करेगी। इसके लिए सरकार ऐसे लोगों को शिकायत का विकल्प देगी ताकि डेथ सर्टिफिकेट फिर से जारी हो सके। दरअसल सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4,00,000 रुपये का मुआवजा देने का अनुरोध किया गया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि आपदा प्रबंध कानून में मुआवजे का प्रावधान केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होता है जिसे कोरोना महामारी पर लागू नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि अगर कोरोना के कारण जान गंवाने वाले हर एक व्यक्ति के परिवार को 4,00,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाती है तो SDRF यानी राज्य सरकार के पास उपलब्ध एक प्राइमरी फंड जो अधिसूचित आपदाओं की स्थिति में तुरंत राहत देने के लिए काम आती है का पूरा फंड अकेले इसी मद पर खर्च हो सकता है और वास्तव में कुल खर्च और भी बढ़ सकता है। बाकी यह देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र सरकार इस पर क्या फैसला लेता है।